मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद को आईपीएल 2024 में अभी अपनी पहली जीत की तलाश है। दोनों टीमों को सीजन के शुरुआती मैच में हार का सामना करना पड़ा था। मुंबई इंडियंस को 2013 के बाद से अब तक कभी भी सीजन का पहला मैच नहीं जीत पाई है, लेकिन बुधवार को जब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अपने घर में मुंबई इंडियंस की मेजबानी करेगी तो उनका लक्ष्य जीत दर्ज करके खाता खोलना होगा। 5 बार के चैंपियन मुंबई इंडियंस की शुरुआत हमेशा की तरह अच्छी नहीं रही। गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में जीत की स्थिति में होने के बावजूद आखिर में उसे हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में हालांकि जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी, डिवाल्ड ब्रेविस की प्रभावशाली पारी और शीर्ष क्रम में रोहित शर्मा का उपयोगी योगदान उसके लिए सकारात्मक पहलू रहे। जहां तक सनराइजर्स की बात करें तो पैट कमिंस की अगुवाई वाली टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ पिछले मैच में हेनरिक क्लासन की शानदार पारी से एक समय जीत की उम्मीद लगा ली थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के इस बल्लेबाज को अन्य बल्लेबाजों का पर्याप्त सहयोग नहीं मिला। मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2024 का 8वां मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यहां की पिच काफी फ्लैट मानी जाती है और ऐसे में यहां पर खूब चौके छक्के देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है तो स्पिनर्स खेल में आने लगते हैं। एक बात और है कि इस मैदान पर जो टीम लक्ष्य का पीछा करती है उसे ज्यादा सफलता मिलती है। गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल के अब तक 71 मैच खेले गए हैं। इसमें से बैटिंग पहले करने वाली टीम ने 31 बार और दूसरी पारी में बैटिंग करने वाली टीम ने 40 बार मैच में जीत दर्ज की है। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम गेंदबाजी ही करना पसंद करेगी। इस मैदान का औसतन स्कोर 150 के आसपास रहा है। हेड टू हेड स्टेट्स की बात करें तो दोनों टीमों ने आपस में कुल 21 मैचेस खेले हैं। उसमें से सनराइजर्स हैदराबाद ने 9 मैच और मुंबई इंडियंस ने 12 मैच जीता है। दोनों टीमों की एक बार संभावित प्लेइंग 11 पे नजर डालें तो मुंबई इंडियंस की तरफ से ईशान किशन, रोहित शर्मा, नमन धीर, डिवाल्ड ब्रेविस, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, टीम डेविड, सैम्स मुलानी, गोराल्ड फोर्डसी, पीयूष चावला, जसप्रीत बुमराह और इंपैक्ट प्लेयर के रूप में ल्यूक वुड आ सकते हैं। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ डालें तो मयंक अग्रवाल, अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी, एडन मार्करम, हेनरिक क्लासन, अब्दुल समद, शहबाज अहमद, मार्को यानसन या फिर फजल हुक फारूकी, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, मयंक मार्कंडे इंपैक्ट प्लेयर के रूप में टी नटराजन आ सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है आईपीएल का ये 8वां मैच कौन जीतेगा, सनराइजर्स हैदराबाद या फिर मुंबई इंडियंस, कमेंट करके बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।